हेलो, वेलकम एंड स्वागत है आप सभी का महिंद्रा की वेब सीरीज में। और जैसा कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग रोज मिलेंगे आपसे एक नई जोश के साथ और एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तो देखो, लास्ट डे जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया था, ऑर्डर रैंकिंग, जो कल और परसों में हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस उसके किए और हर एक वैरायटी को मैंने बहुत डेप्थ में समझाने की कोशिश करी। आज देखो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक चैप्टर, इन इक्वालिटी, ठीक है ना। देखो, इनइक्वालिटी वैसे मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा हुआ है, बहुत कॉमन है, बट बच्चों मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको कि जो स्टाइल आपको आप यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी ना, वो किसी ने नहीं पढ़ाई होगी। इसीलिए देखो, मैं कह रहा हूँ आपसे, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सिंसियरली सीखना चाहते हो, इनइक्वालिटी पढ़ना चाहते हो, तो आज इस वीडियो के लिंक में आप देखना, एक और लिंक शेयर करेगी जिसमें मैंने बेस ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ाया था, मैंने फाउंडेशन। प्लीज उस वीडियो को अच्छे से देखना, आपको मजा आ जाएगा, बिलीव मी। देखना, आपको खुद कहोगे कि ऐसे तो मुझे इनइक्वालिटी किसी ने समझाई नहीं थी। मैं अभी उसी से थोड़ा सा मैं पिक करके आपको मैं हल्का सा आज कंसेप्ट दूंगा, बाकी मैं आपको क्वेश्चंस में आ जाऊंगा। लेकिन अगर आप पूरे बेस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज जो नीचे लिंक में दी गई एक वीडियो है उसे जरूर देखें। इनइक्वालिटी की फाउंडेशन क्लास मैंने ली थी जिसमें मैंने पूरा एक अलग तरीके से, आप पहले देखना, मैं बोल नहीं रहा हूं, आप देखो, आप देखने के बाद आप खुद कहो कि इनइक्वालिटी ऐसे तो कभी किसी ने नहीं पढ़ाई थी और इतनी मजेदार हो गई है, समझ में नहीं आई कि यार इतना इजी था इनइक्वालिटी। और हर क्वेश्चन को मैंने कहा था उसमें भी, हर क्वेश्चन आप 10 सेकंड में सॉल्व करिएगा, उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, कम ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, मैक्सिमम 10 सेकंड। बोला बोला कि जिसकी नॉलेज थोड़ी कम भी है तब भी 10 सेकंड। इसीलिए फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गिवेन जो लिंक में वीडियो है वो जरूर देखें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए एक लिंक शेयर हुआ है, उसको वीडियो को आप अच्छे से देखना, मजा आ जाएगा। उसके बाद देखना इनइक्वालिटी, आपने खुद बोलोगे कि ये है कुछ मजेदार, ठीक है। चलो, इनइक्वालिटी का मैं थोड़ी चीज आपको बेसिक चलो शेयर कर दूं कि क्या है इनइक्वालिटी, असमानता, ठीक है। सिंपल आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे कि कितने हमारे पास यहाँ पे सिंबल होते हैं, कितने सिंबल होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5 सिंबल होते हैं, ठीक, ग्रेटर, लेस, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल टू, ठीक है बच्चों। देखो, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रेटर, लेस और इक्वल्स टू, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, बेसिक सिंबल। क्या बोलते हैं, बेसिक आधार है, जो जो हमारे इनइक्वालिटी का आधार है वो है ग्रेटर, लेस और इक्वल टू। ग्रेटर, लेस, इक्वल टू क्या है, आधार है, बेस है, ठीक, क्या है, बेस है, आधार है, एकदम पूरा चैप्टर इसी पे है। पूरा चैप्टर क्या, सच कहूं तो पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ इस 3 साइन के अंदर है। आप बोलोगे अरे कैसे, सोच के देखो बच्चों जरा, क्या इनइक्वालिटी के बाहर कुछ जा सकता है, सोच के देखना। इस पूरे संसार में इस 3 के अंदर ही पूरा सब कुछ बसे हुए हैं, सोच के देखो जरा। आप, हम, एक रिलेशन इनमें से ही होगा, या तो आप मुझसे बड़े हो या तो मैं आपसे बड़ा हूं, या हम दोनों क्या हैं, बराबर एज के हैं। मतलब क्या है, देखो, या ग्रेटर या लेस या इक्वल। देखो, इसके बाहर कुछ नहीं जा सकता, जीवों की तो बात छोड़ो, एक नॉन लिविंग थिंग, एक निर्जीव चीज भी इससे बाहर नहीं जा सकती। मान लो यह पेन है, यह पेन भी हो सकता है इस पेन के पहले मैन्युफैक्चर हुआ हो, या इस पेन के बाद मैन्युफैक्चर हुआ हो, या इन दोनों एक साथ मैन्युफैक्चर हुए हो। मतलब क्या है, देखो, इसमें भी क्या हमने दिखा दिया, इनइक्वलिटी। मतलब याद रखिएगा, इनइक्वलिटी एक यूनिवर्सल चीज है जो कि कुछ भी इसके बाहर नहीं जा सकता। हर चीज में रिलेशन है, क्या बोला मैंने, हर चीज में इनइक्वलिटी का रिलेशन है। अब ये लाइन को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे मैं जब अभी पढ़ाऊंगा तो इस लाइन का बहुत जोरदार इस्तेमाल होने वाला है कि हर चीज में रिलेशन है इनइक्वलिटी की, ठीक है। चलो आते हैं अपने बेसिक पे। बेसिक क्या है बोला मैंने, ये 3 जो है ये है हमारे बेसिक सिंबल, ग्रेटर, लेस और इक्वल, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल टू। पहले देखो इसका मतलब समझना बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है। देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा, और उसी प्रकार लेस देन इक्वल टू क्या है, या तो लेस होगा या तो इक्वल होगा। मतलब क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब यह नहीं है कि बड़ा बराबर एक साथ नहीं है, या तो बड़ा है या तो बराबर है। क्या बोला मैंने, फिर से बोलना, या तो बड़ा है या तो बराबर है। और इसको हम लोग ने बेस साइन नहीं कहा,
क्यों नहीं कहा था? क्योंकि देखो ग्रेटर लेस और इक्वल्स टू जो है ये हमारा बेस साइन है और ग्रेटर और इक्वल्स टू को मिला के ही तो बनता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसीलिए इसको सब साइन बोला जाता है, मेन साइन नहीं बोला जाता है, मुख्य साइन ये नहीं है। उसी प्रकार लेस और इक्वल्स टू को मिला के क्या बनता है? लेस देन इक्वल्स टू। लेकिन इसका भी अर्थात ये नहीं है कि कम और बराबर एक साथ होगा, इसका अर्थात यह है कि या तो कम होगा या तो बराबर होगा। क्या बोला मैंने? या तो कम होगा या तो बराबर होगा, या तो कम होगा या तो बराबर होगा। लेस और इक्वल्स, लेस और इक्वल, देखो और है, ठीक है। तो ये थे क्या हमारे पांच बेसिक सिंबल, ठीक। अब मैं आपको थोड़ी सी कंसेप्ट देता हूं। देखो आपको ना एक छोटी सी ट्रिक मैं देना चाहूंगा, फिर से वही बात, ट्रिक मैं अभी यहां पे लिख दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, लेकिन बेसिक जो ट्रिक का है वो इस वीडियो में है, जो कि आपको इसके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक दिया गया है, वो लिंक जरूर देखना, कंसेप्ट पूरा पॉलिश हो जाएगा और फिर जब नेक्स्ट क्लास करेंगे मजा आएगा, मजा आएगा, बिलीव मी। चलो अब देखो सिंपल सा है, ग्रेटर और लेस दो अलग परिवार के मेंबर है। क्या बोला मैंने? बड़ा और छोटा दो अलग परिवार के मेंबर है। देखो मैं क्या बोलता हूं इन्हें, मैं बोलता हूं बड़े को क्या? बड़ा भाई। क्या बोलता हूं? बड़ा भाई, ठीक है। मैं इसको बोलता हूं बड़ा भाई और लेस को मैं बोलता हूं क्या? छोटा भाई। क्या बोलता हूं मैं? छोटा भाई, ठीक है। लेस को मैं क्या बोलता हूं? छोटा भाई। बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, ठीक है। बस ये कंसेप्ट दिमाग में रखना, डे एकदम बेस वन, लिंक इस डिस्क्रिप्शन में देखो। तो आते हैं हम सीधा पॉइंट पे। हमने क्या किया यहां पे? दो परिवार बांट दिए, हमने क्या किया? दो परिवार बना दिए हैं, जिसमें मैंने कहा कि बड़ा, बड़ी भाभी और नौकर, ठीक है। मैंने क्या किया? बड़े को, ग्रेटर को बड़ा भाई बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू को बड़ी भाभी बोला और इक्वल टू को क्या? नौकर बोला। देखो सिंपल सी बात है, घर पे क्या है? भैया है, भाभी है, नौकर है, भैया है, भाभी है, नौकर, घर घर की बात है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं, बस घर घर की बात है। वही छोटे की फैमिली भी तोड़ दी मैंने और कुछ ऐसा बना दिया मैंने, ठीक है। यहां पर यह कौन हो गया? छोटा भाई, छोटी भाभी, नौकर, बड़ा भाई, बड़ी भाभी, नौकर, छोटा भाई, छोटी भाभी, नौकर, ये दोनों क्या हुए? अलग परिवार में बट गए। कैसे बट गए ये देखना है तो फिर से वही बात, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, पूरा बेस उसमें मैंने पूरी स्टोरी अच्छे से सुनाई है और समझाई है, उसको जरूर देख लें, समझ आ जाएगा, ठीक। इसमें खाली इतना समझ लेना कि क्या बोला मैंने, कि एक परिवार को मैंने दो पार्ट में बांट दिया है, बड़े की फैमिली अलग हो गई है, छोटे की फैमिली अलग हो गई है, भैया भाभी एक साथ रहते हैं और जो नौकर है वो भैया घर का काम करता है, तो उसके लिए कोई बड़े भाभी या बड़े से या छोटे से कोई मतलब नहीं है, वो दोनों के लिए काम करेगा, भैया उसको पैसे चाहिए, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो नौकर भैया कॉमन टू बोथ। अब देखो इन दो परिवार को बांटने का मतलब क्या है, मेरा मकसद क्या है? इन दो परिवार को बांटने का मेरा मकसद बस यह है कि ये परिवार का मेंबर कभी इसके साथ नहीं आएगा और ये परिवार का मेंबर कभी इसके साथ नहीं आएगा, समझो सिर्फ इस लाइन को। फिर मैं जब एग्जांपल कराऊंगा मैं इसको भी समझा दूंगा ऐसा क्या हो रहा है, क्या क्यों ऐसे हो रहा है, सिंपल सी बात समझना। क्या बोला अभी? देखो सिर्फ इतना ध्यान रखो स्टोरी की कि एक घर है, दो फैमिली रहती है, एक बड़े भैया बड़ी भाभी, एक छोटे भैया छोटी भाभी, और इन दोनों में कुछ अनबन है, इसलिए दोनों क्या हो गए हैं? अलग हो गए हैं, और नौकर जो है इन दोनों का काम करता है। इतनी सी स्टोरी बस ध्यान में रखना कि घर की बातें को कुछ याद नहीं करना है, एक बार बस स्टोरी सिंपल सी समझनी है कि घर में भैया भाभी जो है बड़े वाले अलग हैं, छोटे वाले अलग हैं, और ये दोनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि इनका क्या है, थोड़ा मनमुटाव है, इनका क्या है, थोड़ा सा झगड़ा हो गया, समझ रहे हो ना घर घर की बात, तो थोड़ा सा मनमुटाव है वो हमें यहां देखने को मिल रहा। इससे बस इतना समझना कि कभी बड़े की फैमिली छोटे के साथ नहीं आएगी, छोटे की फैमिली कभी बड़े के साथ नहीं आएगी, ठीक। चलो अब मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल के साथ ये कैसे इंप्लीमेंट होता है हमारे एग्जामिनेशन में। देखो मान लो एक छोटी सी एक आया आपका ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी ग्रेटर देन डी इक्वल्स टू ई लेस देन एफ, ठीक है, और इतना ही रखते हैं पहले, ठीक है, जगह छोटी पड़ गई, इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्टेटमेंट मान लो, ठीक है ना, ये हो गई आपकी क्या स्टेटमेंट, ठीक है, ये हो गई स्टेटमेंट, ठीक।
अब देखो कंक्लूजन, देखो यूजुअली क्या होता है, ऐसी स्टेटमेंट क्लर्क में देखी जाती है और किस टाइप की देखी जाती है वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले, टेंशन मत करना, इनइक्वालिटी बड़े आराम से करेंगे क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपका बेस क्लियर करूंगा और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो आपने नहीं देखे होंगे कहीं, ठीक है। तो चलो कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या कह रहा है, ए ग्रेटर देन एफ, ए लेस देन एफ, ए इक्वल्स टू एफ, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ, ए लेस देन इक्वल्स टू एफ। देखो मैंने क्या किया, ए एफ ए एफ ए एफ सारा पकड़ा और बीच में देखो मैंने इस्तेमाल किए हैं पांचों सिंबल, मैंने क्या किया देखो पांचों सिंबल का इस्तेमाल किया, ग्रेटर भी है लेस भी है इक्वल टू भी है ग्रेटर इक्वल टू भी है लेस देन इक्वल टू भी है। समझा कि नहीं भैया बात कि क्या है यहां पे, सारे कुछ मैंने पांचों सिंबल को पकड़ने की कोशिश की क्योंकि मैं आपको कुछ समझाना चाहता था, कुछ समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। ध्यान देना, अब देखो पहली बात हम लोग कैसे करते हैं इसको, पहले हम लोग बोलते हैं देखो ए को बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट और इसको बोलते हैं प्रेडिकेट, ठीक है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, क्या बोलते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हमेशा याद रखना आपको इधर से इधर ट्रैवल करना है, जर्नी करनी है, सफर करना है, आप ए से एफ तक चलोगे। सिंपल देखो कैसे करना और कितना आसान हो जाएगा ये, आपको क्या करना है सिर्फ चलना है। देखो हम अब कहां से कहां जा रहे हैं, ए से लेके एफ तक, ठीक है ना, तो ए से लेके एफ तक गए, ठीक है। देखो सिर्फ घर घर खेलो, सिर्फ क्या करना है घर घर खेलना है। फिर से बोल दे रहा हूं, क्या बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ी भाभी छोटी भाभी और नौकर, ठीक है ना, ये तीन का आपके पास इस्तेमाल करना है, ये याद रखना। ये क्या है, बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ी भाभी छोटी भाभी और इक्वल्स टू मतलब नौकर, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट जब ट्रेवल किया हमने, ए से एफ तक जब गए, घर पे कौन कौन है, मतलब ए से एफ के दौरान कौन कौन से, याद रखिएगा आपको मतलब सिर्फ इन दोनों के बीच होता है कि इन दोनों के बीच में कौन कौन से सिंबल हैं, ठीक। अब देखो मैं गया ए से एफ जा रहा हूं, ठीक है, कौन आ गया, बड़े भैया, पहले मिले बड़े भैया, फिर बड़ी भाभी, फिर बड़े भैया, फिर नौकर। इतना दूर तो ठीक है, क्यों, क्योंकि ए से ई तक क्या है एक ही परिवार के मेंबर हैं, ए से ई तक क्या है एक ही परिवार के मेंबर है, ठीक है। लेकिन जाना कहां तक है हमें, हमें जाना है एफ तक, कहां तक जाना है हमें एफ तक। तो जैसे हम एफ तक गए तो क्या आ गया बीच में, छोटा भाई, क्या आ गया बीच में, छोटा भाई, ठीक। अब हम क्या समझे कि ए और एफ के बीच में क्या हुआ, दोनों परिवार के सदस्य आ गए, और जैसे ही दोनों परिवार के सदस्य आ गए तो क्या यह संभव है, अभी तो हम समझा रहे थे यही ना कि दो परिवार बट चुके हैं, बड़े की कोई भी फैमिली मेंबर, बड़े का कोई भी सदस्य छोटे के परिवार में नहीं आएगा और छोटे के परिवार का कोई भी सदस्य बड़े में नहीं आएगा। इसका क्या मतलब समझे आप, इसका मतलब समझे क्या कि जैसे ही ए और एफ के बीच में दोनों ही परिवार के मेंबर आ गए तो यह संभव नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम रॉन्ग कर देंगे, ए और एफ के बीच में कोई भी सिंबल हो। देखो यहां पे क्या है, मैंने ए और एफ के बीच में देखो पांचों सिंबल लिए थे, पांचों सिंबल लिए थे और पांचों को मैंने गलत कर दिया। क्यों, सिर्फ क्वेश्चन करना है एग्जाम में तो उसके लिए क्या समझना है कि भैया दोनों परिवार के सदस्य आ गए, मतलब आंख मूंद करके रॉन्ग कर दो चाहे कोई भी सिंबल हो। इसीलिए मैंने पांचों यहां पे उठाए, ग्रेटर भी लेस भी इक्वल टू भी ग्रेटर इक्वल टू भी लेस इक्वल टू भी। समझना बात को, समझो बात को कि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो हमें क्या करना है, तो भैया पांच सेकंड में आंसर चाहिए झटके में। तो हमने क्या किया, खाली ऐसे एफ ट्रेवल किया, क्या देखा, देखा दोनों परिवार के सदस्य क्या हो रहे हैं, मिल गए हैं, मतलब संभव नहीं है, मतलब क्या करना है, कुछ भी पूछा है वहां पे रॉन्ग कर देना है, कोई भी सिंबल हो ए और एफ के बीच में रॉन्ग कर देना है। ये तो हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब चूंकि ये तो वेब सीरीज क्या थी कि प्रॉमिस था आपका बेस क्लियर करने की, तो बेस क्या है कि कोई मुझे बताए ये रॉन्ग क्यों, क्यों रॉन्ग कर रहे हैं ये, तो क्यों रॉन्ग कर रहे हैं उसका वजह अब मैं बताने जा रहा हूं। इसको देखो पहली बात समझना, इस रॉन्ग को हम लोग बोलते हैं क्या, लॉजिकल फॉल्स, क्या बोलते हैं,
लॉजिकल फॉल्स। लॉजिकल फॉल्स का मतलब यह होता है कि यह डेफिनेट फॉल्स नहीं है, ये गलती जो हम कर रहे हैं, इसको हम जो गलत कर रहे हैं, ये गलत इसलिए नहीं है कि ये पूरा रॉन्ग है, मैं श्योर हूं, इसलिए रॉन्ग नहीं है। ये इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहां मैं एक उचित आंसर नहीं निकाल पा रहा। कैसे? चलो मैं आपको न्यूमेरिकल समझाता हूं, ठीक है ना। देखो मैं फिर से बात बोल रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैंने क्लियर कर दिया कैसे आपने आंसर करना है। दो फैमिली देखी, रॉन्ग करो, आगे बढ़ो, टेंशन नहीं, समय नहीं है। लेकिन कंसेप्ट क्लियर बार बार बोल रहा हूं करो, क्योंकि अगर समझ लो कहीं आपका छोटा भाई भी आपसे पूछ रहा, भैया ये कहां से आया, तो आपको ये तो नहीं बोलना कि भैया हम तो रटे थे, तुम भी रट लो, सही नहीं है बोलना। तो कंसेप्ट अपना क्लियर रखो, ठीक है ना। तो यहां समझ लो मैंने बोला 10, मान लो मैंने ए की वैल्यू क्या ली, 10। अब आप मुझे बताओ बी की वैल्यू क्या होगी। भाई ए अगर बी से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है बी क्या होगा, ए से छोटा ही होगा। तो हम मान लिए 5, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 10 से छोटा मैंने 5 दे दिया, ठीक। सी की वैल्यू आप बताओ क्या हो सकती है, सी की वैल्यू आप बताओ क्या हो सकती है, या तो इसके बराबर, क्या बोला था, बी ग्रेटर इक्वल टू, मतलब बी या तो सी से बड़ा होगा या बराबर होगा, बी सी से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो अगर बराबर होता है तो क्या हो गया, 5, और बड़ा होता है तो क्या हो गया, 4, 3, 2, 1, कुछ भी, लेकिन 5 से तो नीचे होगा। मतलब हमने क्या किया, देखो सी जो है 5 और उसके बगल में मैंने क्या किया, 5 का एरो नीचे की तरफ दे दिया। इससे क्या समझ में आया कि 5 की वैल्यू जो है, जो सी की वैल्यू है, वो 5 से नीचे ही होगी, कम ही होगी, ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि बी जो है वो सी से या तो बड़ा है या तो बराबर है। बड़ा होगा तो 5 से नीचे सी की वैल्यू होनी होगी, और बराबर होगा तो भैया सिंपल सी बात है 5 वैल्यू होनी होगी। समझ में आ रही है बात की नहीं, क्लियर है। चलो अब बड़े डी के ऊपर, अब बोल रहा है सी डी से बड़ा है, सी जो है वो डी से बड़ा है, मतलब डी की वैल्यू या तो 4 या उससे नीचे होगी, लेकिन उसके ऊपर नहीं हो सकती, 4 या 4 से नीचे। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि वो सी की वैल्यू मैक्सिमम, अगर मैं 5 पकड़ लिया, मैं पकड़ लिया मैक्सिमम 5, तो डी 4 और या तो उसके नीचे, और अगर सी 4 तो डी 3 से नीचे, मतलब कुछ ना कुछ तो होना है लेकिन सी से कम। सही। अब देखो ई पे आ जाओ, बोल रहा है डी बराबर ई, बराबर का माने क्या होता है, या तो 4 या जैसन डी होगा वैसा, कि जैसा डी है वैसा ही ई होगा, 3 होगा तो 3, 2 होगा तो 2, क्लियर है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, ई लेस देन एफ, ई जो है वो एफ से छोटा है, ध्यान देना, ई जो है वो एफ से छोटा है। हमने जो अपनी सिनेरियो बिठाई उसके अनुसार से क्या समझ में आ रहा है, ई की वैल्यू 4 या 4 से कम, समझे बात को। अब देखो एफ की वैल्यू 5 भी हो सकती है, सही, एफ की वैल्यू 8 भी हो सकती है, एफ की वैल्यू 10 भी हो सकती है, एफ की वैल्यू 100 भी हो सकती है। बात समझना कि जो एफ की वैल्यू है वो 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, लेकिन ई से बड़ा होगा। क्लियर हो गई बात, इतनी दूर क्लियर है। अब समझो, अब हमारा रिलेशन कहां निकालना था, ए और एफ के बीच में, क्या बोल रहे हैं, ए और एफ के बीच में। अब देखो ए और एफ को कंपेयर करो, देखो शुरुआत मैंने एक लाइन कही थी पहली कि रिलेशन सब में है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि रिलेशन नहीं है। बहुत बुक्स में लिखा है, बहुत लोग पढ़ाते भी हैं, नो रिलेशन इनइक्वलिटी में, नो रिलेशन, बट पूछिए जरा कैसे भाई, इनइक्वलिटी के बाहर कुछ नहीं जा सकता, रिलेशन जरूर है। यहां भी ए और एफ में एक ना एक रिलेशन जरूर है। आप देखो ए अगर 10 है और एफ अगर 8 है तो क्या रिलेशन होगा, ए इज ग्रेटर देन एफ, होगा कि नहीं होगा, ए 10 और एफ 8 तो ए इज ग्रेटर देन एफ। वहीं पे अगर एफ 10 होता, अगर एफ क्या होता 10 होता, तो क्या होता, ए बराबर एफ होता कि नहीं होता, ए बराबर एफ। और वहीं पे एफ की वैल्यू अगर 100 होती तो क्या होता, ए लेस देन एफ होता,
मतलब क्या समझे कि जैसे ही दूसरी परिवार का एक सदस्य, दूसरे परिवार का एक सदस्य हमारे लाइन में आ जाता है तो रिलेशन है तो जरूर, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा होगा। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, तीनों ही हो सकता है। तो हम किसी एक पे सही टिक नहीं कर सकते, इस वजह से हम क्या करते हैं उसको गलत बोल देते हैं। इसीलिए इसको डेफिनेट फॉल्स नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है लॉजिकल फॉल्स। लॉजिकल फॉल्स का मतलब क्या है कि हम उत्तर नहीं दे पा रहे, इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि हमारे पास सटीक उत्तर नहीं है। हमको ये तो कंफर्म है कि रिलेशन जरूर है, देखो मैंने प्रूव कर दिया नंबर से कि ए और एफ में कुछ ना कुछ रिलेशन तो बनेगा, या तो ए बड़ा होगा, या तो ए छोटा होगा, या तो ए बराबर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन क्या होगा ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए हम उसको गलत करते हैं, इसीलिए इसे लॉजिकल फॉल्स कहते हैं, इसे डेफिनेट फॉल्स नहीं कहते। समझ में आई बात की नहीं आई? बहुत लोग ये जानते होंगे ऑलरेडी कि दोनों सिंबल आए तो रॉन्ग करना है, बट बहुतों को ये नहीं पता होगा कि क्यों रॉन्ग करना है। आज हम समझा दिया आपको कि क्यों रॉन्ग करना है, इसका अर्थात इसका बेस क्या है, कि कहां से इसका जन्म हुआ कि रॉन्ग करना है, क्यों करना है। ये समझिए कि रॉन्ग इसलिए करना है क्योंकि रिलेशन क्या है वो हमें पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि रिलेशन है ही नहीं। रिलेशन हम क्या बोलेंगे कि ए और एफ के बीच में कोई ना कोई संबंध तो है, लेकिन अगर हम एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं उसे गलत ठहरा देते हैं और कहते हैं भैया हम किसी एक पे, बिकॉज राइट का आंसर एक टिक मार देना, एक टिक मारने का मतलब क्या होता है कि आप गारंटी लेते हो कि वो सही है, बट गारंटी हम नहीं ले पा रहे हैं इसीलिए इसे गलत करते हैं। समझ में आई बात की नहीं आई? तो एकदम कंसेप्ट क्लियर रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर दो सदस्य एक परिवार के एक लाइन में दिख गए, मतलब एक कंक्लूजन के अंदर, ए और एफ जो भी पूछा जाए, एक्स वाई जेड वाई कुछ भी पूछा जाए, एक कंक्लूजन के अंदर अगर दो परिवार के मेंबर आ जा रहे हैं तो उसको आप आंख बंद करके रॉन्ग कर देना, चाहे सिंबल ग्रेटर, चाहे लेस, चाहे इक्वल, कुछ भी पूछा रहे। और ये हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अपने कॉन्सेप्ट के लिए सिंपल समझें कि एक दूसरे परिवार के मेंबर के कारण क्या होता है, कंफ्यूजन का जन्म होता है कि रिलेशन तो है बट कौन सा है ये मैं बता नहीं सकता, और इसीलिए क्या होता है मैं कहता हूं क्या कि भैया ये तो फॉल्स है क्योंकि हम बता नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली कौन सा राइट होगा। क्लियर है? क्लियर है कंसेप्ट? तो ये हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट कि क्यों इसे रॉन्ग कहा जाता है। ठीक, पहली चीज। दूसरा, अब ये परिवार का इस्तेमाल हम कैसे करने वाले हैं आपके पूरे चैप्टर को करने में, चलो इसको हम पहले मिटाएं। चलो अब आते हैं फिर से इस पे। अब परिवार में कौन कौन थे? बड़ा भाई है, बड़ी भाभी है, नौकर है, और छोटा भाई है, छोटी भाभी है, नौकर है। ठीक, अब परिवार में हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है? अगर हम केवल इसको देखें, भैया है, भाभी है, नौकर है, क्या है? भैया है, भाभी है, नौकर है, भैया भाभी नौकर, भैया भाभी नौकर। दिमाग में कंसेप्ट क्लियर? थोड़ा सा बेस चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखें। अब भारतीय संस्कृति, भैया है, भाभी है, नौकर है, तो घर पे सबसे पहला दर्जा किसका होगा? भैया घर का मुखिया कौन होगा, जो घर चला रहा है, मीन्स ऑब्वियसली पहला प्रेफरेंस किसका होगा? बड़े भाई का। ठीक, सिमिलरली इस घर पे छोटे भाई का, क्योंकि है तो इस घर पे वही भैया भाभी नौकर, तो इस घर का मुखिया कौन? ये। उस घर का मुखिया कौन? ये। सही है। दूसरा, भैया के बाद ऑब्वियसली भाभी, और उसके बाद नौकर के सबसे कम पोजिशन। तो ये क्या कर दिया हमने, ये कर दिया, देखो मैंने क्या इसको डिवाइड कर दिया इनके किस पे, इनके प्रेफरेंस पे, इनके मूल्यता पे। ठीक है ना, कि कौन सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है, वो है बड़ा भाई, और इस घर पे छोटा भाई, इस घर पे भाभी, फिर भाभी नौकर। देखो सिंपल से कुछ याद करने का थोड़ी है, यहाँ पे घर की तो बात है ना भैया, है कि नहीं? घर पे अगर भैया है तो भैया पहले जो सबसे बड़े हैं, फिर भाभी, फिर नौकर।
बस भैया भाभी नौकर, कुछ करना ही तो नहीं है। ठीक, अब इस जो हमने प्रेफरेंस बताया इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, देखो आओ फिर से समझते हैं। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी ग्रेटर देन डी, चलो छोटा करते पहले समझाने के लिए, इक्वल टू डी लेस देन ई लेस देन इक्वल टू ए। ठीक है, एक छोटी सी फिर से मैंने एक स्टेटमेंट ली, ठीक है, एक स्टेटमेंट ली मैंने छोटी सी। अब कंक्लूजन पे आते, देखो अब मैं लेता हूं पहले तो ए ग्रेटर देन डी, ए लेस देन डी, ए इक्वल्स टू डी, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी, ए लेस देन इक्वल टू डी। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है हमें, पहले हमें क्या करना है, सफर चलते हैं जर्नी पे। तो कहां से कहां तक जाना है हमें, हमें जाना है ए से लेके डी तक। ठीक है, कहां से कहां जाना है हमने, ए से लेके डी तक। ठीक है, ए से डी गए, जैसे हम ए से डी गए तो हम क्या देखे, हम ये देखे कि घर पे कौन कौन है, बस देखो यही देखना है घर पे कौन कौन है। तो हमने देखा भैया, बड़े भैया मतलब बड़े का परिवार है, बड़ी भाभी और नौकर। ठीक है, अब समझना घर पे कौन है, भैया भाभी और नौकर। ठीक है ना, बड़े भैया बड़ी भाभी नौकर, किसका प्रेफरेंस है, बड़े भैया का, तो बड़े भैया आंसर है, बस खत्म बात, हो गया चैप्टर खत्म। समझे कि नहीं, बस इतना ही करना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका आंसर रेडी। सब्जेक्ट से प्रेडिकेट ट्रेवल करिएगा, जिसका प्रेफरेंस होगा वही आंसर होगा, आंख बंद करके मारिएगा। आप लोग को तो प्रूफ चाहिए है कि कैसे, गारंटी चाहिए, भैया पता है आज के जमाने में सबको प्रूफ चाहिए। चलो फिर प्रूफ करते हैं, चलो फिर से मान लिया 10, बी की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी होगी कम होगी, सही है, मान लो 7। सी की वैल्यू या 7 या 7 से छोटा, इतनी देर समझ रहे हैं कि बी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, मतलब बी या तो बड़ा है या तो बराबर है, बी या तो बड़ा है या तो बराबर है, बी या तो बड़ा है या तो बराबर है। तो बड़ा है तो 7 से बड़ा, और बराबर या तो 7, मतलब सी की जो वैल्यू होगी वो 7 के ऊपर नहीं जा सकती, क्यों, क्योंकि बी या तो सी के बराबर है या बी सी से बड़ा है। क्लियर है। सिमिलरली अगर यहां पे इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू है तो क्या है, 7 या 7 से नीचे, उसके ऊपर नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि C जो है D के बराबर है, C7 तो D7, C6 तो D6, C4 तो DB4, समझ रहे हैं ना। चलिए तो अब A और D को कंपेयर करिए, तो आप क्लियरली देख पाइएगा क्या कि A D से डेफिनेटली बड़ा ही होगा, क्योंकि D की वैल्यू 7 से नीचे होगी, कभी उसके ऊपर जा ही नहीं सकती। मतलब क्या हुआ कि प्रूफ कि हेंस ए ग्रेटर देन डी ही आंसर होगा, इसके अलावा ए और डी में कोई रिलेशन आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि ए की वैल्यू डी से हमेशा बड़ी ही रहेगी। क्लियर, लॉजिक क्लियर, एग्जाम क्लियर। एग्जाम में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, घर घर खेलना है, सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट ट्रैवल करिए, ट्रैवल करके क्या करिए, देखिए केवल क्या कि जिसकी प्रेफरेंस वही आंसर, जिसकी प्रेफरेंस वही आंसर। समझ में आ रही है बात, मतलब अगर घर पे भैया भाभी नौकर है तो प्रेफरेंस किसका, बड़े भैया, तो आंसर होंगे बड़े भैया। सिमिलरली अगर घर पे छोटा भाई छोटी भाभी नौकर है तो किसका प्रेफरेंस, छोटे भाई का, तो छोटा भाई आंसर। बड़ी भाभी बड़ी भाभी बड़ी भाभी, मतलब एक ही स्टेटमेंट में हम ए टू डी निकाल रहे हैं। जैसे यही मान लो अगर ये भी गर्दन इक्वल टू होता और ये भी गर्दन इक्वल टू होता, अगर ये भी गर्दन इक्वल टू, ये भी गर्दन इक्वल टू, ये भी गर्दन इक्वल टू, तो ए से डी तक क्या है, खाली भाभी है, तो भाभी है तो भाभी है तो भाभी ही आंसर होगी, और कहां होगा, सही है। यही पे अगर भाभी भाभी और नौकर तो किसका प्रेफरेंस, यहां भी क्या है, भाभी और नौकर, तो कौन है प्रेफरेंस इसमें, भैया थोड़ी होंगे, भैया तो घर में नहीं है, कौन है, भैया है, भैया है, नौकर है, ऐसा नहीं, भाभी भाभी नौकर, तो भाभी भाभी नौकर मतलब आंसर क्या होगा, भाभी, सही है।
आंसर यहां भी क्या होगा भाभी, उसी प्रकार से सेम छोटे वाले घर पे भी, कि अगर छोटा भाई है, छोटी भाभी है और नौकर, छोटी भाभी, छोटी भाभी, नौकर, तो प्रेफरेंस किसका है? छोटी भाभी का, तो छोटी भाभी। ठीक, अगर भैया है, नौकर है, भैया, फिर से मतलब किसी स्टेटमेंट, किसी कंक्लूजन के बीच में, किसी कंक्लूजन के बीच में अगर आ रहा है छोटा भाई, नौकर और छोटा भाई, तो दो बार आ गया तो कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, रहेगा तो वही, इस रूम में, उस रूम में, दो जगह दिख गया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, छोटा भाई, नौकर, छोटा भाई, तो प्रेफरेंस किसका है? छोटे भाई का। तो ये भी क्या हो गया, छोटा भाई। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? बस ध्यान रखिएगा कि घर घर खेलना है, कसम से बता रहे हैं, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम जल्दी जल्दी आंसर हो जाएगा, ठीक है। खाली क्या याद रखना है कि बड़े की फैमिली अलग, छोटे की फैमिली अलग। बड़े की फैमिली में बड़े का पहले भाई का प्रेफरेंस, फिर छोटे भाई का इधर में, भैया फिर नौकर, सिंपल सी बात है। घर वाली भाभी दूसरे, भैया पहले, नौकर तीसरा, भैया भाभी नौकर, भैया भाभी नौकर, बस ये दिमाग में रखना आपने, ठीक है। तो चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं और मजा आएगा, और आपको फिर समझ में आएगा कि कितना तेज हो रहा है भाई आंसर। फिर से हम यही कहेंगे, थोड़ा सा अगर स्टोरी के डेप्थ में समझना है और मजे से आपको पढ़ना है, तो नीचे दिए गए लिंक को जरूर देखिए, नीचे दी गई वीडियो को जरूर देखिए, और उसके बाद जब एडवांस लेवल कराएंगे तो आपको काफी मदद मिलेगी, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, तो उठाएं छोटा सा क्वेश्चन एक, z ग्रेटर देन b, ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, ग्रेटर देन इक्वल्स टू d, ग्रेटर देन इक्वल्स टू e, इक्वल्स टू f, लेस देन इक्वल टू g, लेस देन h, लेस देन इक्वल्स टू i, लेस देन इक्वल्स टू y, ठीक है। तो ये हो गया एक छोटा सा हमारा क्वेश्चन, ठीक है, एक छोटी सी हो गई ये क्या स्टेटमेंट। अब देते हैं हम कुछ कंक्लूजन, दो चार ठो, ज्यादा नहीं देंगे। देखो एग्जाम में, हम फिर से बोल रहे हैं, एग्जाम में टेंशन मत लेना, क्योंकि एग्जाम में छोटी आपकी स्टेटमेंट भी आती है और दो कंक्लूजन आते हैं, बहुत ज्यादा हुआ तो तीन कंक्लूजन आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते हैं। हम समझाने के लिए आपको कंक्लूजन थोड़े ज्यादा दे रहे हैं, ताकि आपका कंसेप्ट पॉलिश हो जाए एक ही क्वेश्चन में, इसीलिए आपको मैं ज्यादा से ज्यादा कंक्लूजन करवाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमारा काम है आपका कंसेप्ट क्लियर करना, और वो बच्चा जो पहली बार वीडियो देख रहा है उसे भी लग जाए कि नहीं, इनक्वालिटी बहुत आसान चीज है, ठीक है। चलो अब हम दे रहे हैं कंक्लूजन, पहला z ग्रेटर देन d, फिर अब देखो यहां पे हमने क्या किए, कुछ आपको कंक्लूजन दिए, देखो आप देख सकते हो कितने, चार चार आठ चार बारह कंक्लूजन दिए। देखो ये बारह कंक्लूजन अगर आपने कर लिए, बिलीव मी आपका आंसर राइट रॉन्ग आना सही हो जाए। देखो कोई भी चैप्टर का याद रखिएगा बेस क्या होता है, कि आपका राइट रॉन्ग एक बार आना सीख गए, फिर चाहे किसी तरीके से पूछे, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे, आप आंसर कर लेते हो, कि मेन यही होता है कि पहले राइट रॉन्ग निकालना हम सीखें, क्योंकि राइट रॉन्ग जब तक सही नहीं आएगा आप आगे क्या अप्रोच करिएगा बताइए। पहले आपको अप्रोच करने के लिए क्या करना है, राइट रॉन्ग निकालना सीखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलो देखते हैं क्या, z टू d, तो आपने क्या करना है, आपने खाली ट्रेवल करना है, आपने क्या करना है, सफर करना है, चलना है। तो चलिए z से लेकर d तक चलेंगे, ठीक है, कहां से कहां तक चलेंगे हम, z से लेकर d तक चलेंगे। अब आपको देखो पहले हम बात समझा दें, आगे क्या है उससे आपको कोई लेना देना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको निकालना है z और d के बीच में, आपको क्या निकालना है, z और d के बीच में कैसा सिंबल है और क्या रिलेशन है, ठीक। तो चलो पूछा क्या है, देखो z और d के बीच में पूछा है बड़ा भाई,
क्या पूछा है बड़ा भाई? तो आपने कुछ नहीं करना, आपने खाली ट्रेवल करना है। देखो घर 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 खेलना है, जेड से डी गए, तो क्या है? देखो बड़ा भाई बड़ी भाभी बड़ी भाभी, क्या है? बड़ा भाई बड़ी भाभी बड़ी भाभी, ठीक। तो बड़ा भाई है बड़ी भाभी है, किसका प्रेफरेंस है आप बताओ? घर पे भैया है भाभी है, किसका पहले पूछना है? भैया, मुखिया कौन? भैया, बस भैया इज द आंसर, तो ये राइट। बस ऐसे करना है राइट रॉन्ग, आपने टेंशन नहीं लेना, ठीक है। दूसरा, जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई, क्या बोल रहा है? देखो जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई, तो अब हमको क्या करना है? जेड से लेके कहां तक जाना है? जेड से लेके ई तक जाना है। अब हमें क्या करना है? जेड से लेके ई तक जाना है, ठीक। गए ई तक, भैया भाभी भाभी भाभी, क्या है? भैया भाभी भाभी भाभी, फिर से किसका प्रेफरेंस है? भैया का, क्योंकि घर पे भैया और भाभी है, तो आंसर क्या होगा? भैया, लेकिन यहां पूछा क्या है? भाभी, तो क्या हो गया? गलत। बस घर घर खेलना, देखो ऐसे आंसर निकलेगा आपका मजे से, कि घर पे भैया भाभी नौकर, पहले भैया फिर भाभी फिर नौकर, बस खत्म बात। फिर देखो बी से ई तक जाना है अब, तो अब हम कहां से कहां तक जाएंगे? देखो बी से ई के, हमको खाली इसके अंदर देखना है, उसके अगल बगल में क्या है हम उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो बी से ई तक क्या है? भाभी भाभी भाभी, घर पे खाली भाभी है, तो क्या आंसर होगा? भाभी, तो ये राइट। भैया घर पे भाभी है, तो भाभी ही प्रेफरेंस है, और तो कोई है ही नहीं, तो और किसका प्रेफरेंस होगा? भैया तो माँ ऑफिस, ठीक। चलो फिर बी से लेके क्या? एफ, चले फिर से बी से ऑफ। कौन है बी से एफ? देखो भाभी 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 और नौकर, मतलब घर पे कौन है? भैया नहीं है, भाभी है, नौकर है, भाभी है, नौकर है, तो किसका प्रेफरेंस है पहले? भाभी का, तो आंसर क्या होगा? भाभी। तो यहां पूछा क्या है? भैया, अरे भैया तो नहीं है, आंसर क्या होगा? भाभी। पूछा क्या है? भैया, गलत। बस घर घर खेलना है, एक भी आंसर गारंटी, एक भी आंसर गलती नहीं होगा, बस आप मजे से आंसर करिएगा और झटके में। आप लोग कितना टाइम लग रहा है करने में? आराम से आपसे बात करते हुए कर रहे हैं, तो नहीं तो वैसे तो ये 3 सेकंड का काम नहीं है, खाली देखना है मारना, देखना है मारना है। देखो सी से एफ, अब कहां जाना है? देखो सी से एफ, तो सी रहा इधर, एफ रहा इधर, क्या है? भाभी भाभी नौकर, भाभी भाभी नौकर, किसका प्रेफरेंस? भाभी है, नौकर है घर पे, तो किसका प्रेफरेंस? भाभी का। तो मतलब सही जवाब, भाभी पूछा है, भाभी का प्रेफरेंस है, तो राइट आंसर, खत्म बात। जिसका प्रेफरेंस वही आंसर, पहला भैया, दूसरी भाभी, तीसरा नौकर, घर पे भैया रहेंगे तो फिर भैया आंसर, भैया नहीं है तो भाभी, भाभी नहीं है तो नौकर, भैया जब अकेला तभी उसको सब पूछेंगे, तभी ना नाचेगा। चलो डी से जी तक चलते, ठीक। अब कहां जाना मुझे? डी से जी तक, डी से कहां? जी तक, ठीक। अब देखो डी से जी जैसे ही गए, डी से जी जैसे ही गए, क्या देखे? बड़ी भाभी नौकर और छोटी भाभी, अरे भैया घर पे भाभी दो ठो, एक बड़ी भाभी एक छोटी भाभी, महायुद्ध। मतलब क्या? रॉन्ग। अभी हमने समझाया था क्या, कि दो अलग अलग परिवार के मेंबर आने पर ही क्या हो जाएगा आपका आंसर? आंख बंद करके रॉन्ग कर दीजिएगा, सोचने की भी जरूरत नहीं है। दो परिवार के सदस्य आ गए, आंसर गलत। तो डी से जी के बीच में क्या देखे? बड़ी भाभी आ गई छोटी भाभी, ये तो मतलब बहुत बड़ा आंसर, गलत। तो एकदम देश जैसे ही देखे, दोनों भाभी दोनों परिवार के एक मेंबर आए, आंख बंद करके कुछ भी पूछा हो रॉन्ग कर दीजिए, चाहे ग्रेटर पूछा है, चाहे लेस पूछा है, चाहे इक्वल पूछा है, चाहे ग्रेटर इक्वल टू, डी और जी के बीच में कुछ भी पूछा है रॉन्ग। समझ में बात? दो परिवार के मेंबर एक साथ आए तो कोई भी सिंबल हो उसे क्या करना है? रॉन्ग मारना, ठीक। सी से जी, अब कहां जाना है? देखो मुझे सी से जी, फिर से देखो सी से गए जी तक, कौन है प्रेफरेंस? देखो भाभी भाभी नौकर, तो पहले क्या था यहां तक? बड़ी भाभी नौकर, चलेगा। लेकिन जैसे जी तक गए तो कौन आ गया? छोटी भाभी, मतलब फिर से क्या हो गया? बड़ी भाभी छोटी भाभी, दो अलग परिवार के सदस्य, मतलब सी और जी के बीच में कोई भी सिंबल पहुंचा हो आंख बंद करके रॉन्ग कर देना है, ठीक। डी से एच, डी से लेके अब कहां तक जाना है? अब देखो अब जाना है डी से लेके एच तक, कहां जाना है? डी से लेके एच तक, फिर देखो बड़ी भाभी नौकर चलेगा, बट इसके बाद छोटी भाभी और छोटा भाई, मतलब क्या हुआ? दो परिवार के सदस्य मिल गए, फिर से क्या होगा? एकदम गलत।
फिर से वही बात बार बार समझा रहा हूं, ये डेफिनेट फॉल्स नहीं है, ये लॉजिकल फॉल्स है। क्यों? क्योंकि फिर से एक बार रिवाइज कर लो कि दोनों परिवार जब आ जाते हैं एक साथ तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं होता कि उनमें रिलेशन नहीं है, इसका मतलब केवल ये होता है कि रिलेशन तो पक्का है लेकिन कौन सा है ये मैं बताना पॉसिबल नहीं हो रहा मेरे से, ये मैं नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और जब तीनों हो सकता है तो किसी एक पे हम सही आंसर की गारंटी नहीं ले पाते हैं, इसलिए हम उसे लॉजिकल फॉल्स कर देते हैं, मतलब गलत कर देते हैं। सही है, चलो बढ़ते अब आगे। अब क्या बोला, वाई से एच। अब देखो ध्यान रखना, मैंने हमेशा बोला है क्या, सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट ट्रेवल कर रहा है। देखो समझना बात को, अगर हम ए ग्रेटर देन बी बोलते हैं, इसको हम इसको बोलते हैं ए ग्रेटर देन बी, तो हम क्यों बोलते हैं ए ग्रेटर देन बी? क्योंकि हम ए से बी तक ट्रेवल करते हैं, हम क्या करते हैं ए से बी तक ट्रेवल करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ए बी से बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी। लेकिन अगर हम वही बी से ए तक ट्रेवल करें तो हम क्या बोलेंगे, बी ग्रेटर देन ए? नहीं। क्यों? क्योंकि जब ए से बी जा रहा है तो बड़े का रिलेशन बना रहा है, लेकिन जब वही उल्टा हो जाएगा, बी ए से आएगा तो क्या बोलेंगे, बी ए से छोटा है। मतलब जब इधर से इधर जा रहे हैं तब बोलते हैं क्या, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। लेकिन जब हम इसका उल्टा आते हैं तो मीनिंग पूरा घूम जाता है कि बी लेस देन ए, बी ए से छोटा है। सिंपल सी बात है, ए अगर बी से बड़ा है तो इसका मतलब तो यही है कि बी ए से छोटा है। तो सिंबल का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस दिशा में हम ट्रेवल करते हैं, जिस दिशा में हम जाते हैं उसी को हम काउंट करते हैं, उसी डायरेक्शन को हम काउंट करते हैं, इसलिए उसके अनुसार हम लोग ग्रेटर या लेस बोलते हैं। सिंपल सी बात याद रखना, ज्यादा घुमाने का नहीं। बड़े का पेट बड़ा खुला है ना, तो ए से बी जब गए, देख रहे हैं पेट खुला है, एक गैप देख रहे हैं ना, बड़ा है ना, मतलब क्या है, गैप बड़ा है मतलब बड़ा भाई, ठीक है। तो ए से बी तक जब हम लोग गए, गैप है पेट का, तो क्या हो गया, ए से बी बड़ा भाई, और जब बी से आए तो क्या हो गया, पेट बंद हो गया, मतलब छोटा भाई। सिंपल सी बात है, ए से बी ट्रेवल किए, पेट खुला मतलब बड़ा भाई, बी से ए आए पेट बंद मतलब छोटा भाई। क्लियर है कि नहीं है? एकदम ऐसे याद रख लीजिएगा, हम तो ऐसे ही किए थे। देखो यहां से कितना मजा आएगा, जेड खुला बड़ा भाई, खुला बड़ी भाभी, खुला बड़ी भाभी, खुला बड़ी भाभी, नौकर नौकर, ठीक है। आगे बढ़े, जैसे एफ से आए देखो पेट बंद हो गया मतलब छोटी भाभी, फिर पेट छोटा हो गया छोटी भाई, छोटी भाभी, छोटी भाभी, समझे कि नहीं? तो सिंपल आप देखो वाई से एच का कहां जाना, मुझे वाई से एच जाना, मतलब यहां पे हम उल्टे दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। वाई से एच जाना मतलब क्या, हम यहां से उल्टे दिशा में चल रहे हैं, है कि नहीं? तो सिंपल क्या समझो, देखो वाई इधर से आए पेट खुला है तो बड़ी भाभी, आई पेट खुला है तो क्या हो गया, बड़ा भाई। समझे कि नहीं बात को, कि वाई से आई बड़ी भाभी और आई से एच क्या हो गया, बड़ी भाभी, मतलब केवल बड़ी भाभी ही है घर में, तो आंसर क्या होगा, बड़ी भाभी, राइट। समझ में आया बात? अब क्या, देखो वाई से जी जाना है तो मजे करते हैं, आराम से वाई से जी चले गए, ठीक है। वाई से जी गए तो क्या आया, देखो पेट खुला बड़ी भाभी, बड़ी भाभी पेट खुला बड़ा भाई, मतलब घर पे कौन है अब, बड़ा भाभी और बड़ा भाई, तो किसकी प्रेफरेंस होगी, किसकी प्रेफरेंस, बड़े भाई की। तो ये भी क्या है, बिल्कुल राइट, ये भी क्या है, बिल्कुल सही जवाब, सही है। दूसरा देखे क्या बोला, वाई टू एफ। अब क्या है देखो, वाई टू एफ, तो अब कहां से कहां जाना है, अब मुझे वाई से लेके एफ तक जाना है, ठीक है। वाई से कहां तक जाना है, मुझे एफ तक जाना है, ठीक है। तो फिर से देखो क्या है, पेट खुला बड़ी भाभी, पेट खुला बड़ी भाभी, पेट खुला बड़ा भाई, पेट खुला बड़ी भाभी, मतलब फिर से घर पे कौन है, बड़ी भाभी बड़ा भाई, तो प्रेफरेंस किसका, बड़े भाई। आंसर क्या होगा, बड़ा भाई। पूछा क्या है, बड़ी भाभी, तो क्या हो गया, रॉन्ग। सोचना नहीं है, जो प्रेफरेंस है वही आंसर है, नहीं है तो रॉन्ग कर दीजिए। आपको यहां प्रेफरेंस आया बड़े भाई का, मतलब आंख बंद करके बड़ा भाई आंसर है, और क्यों है ये मैं प्रूफ भी आपको दे चुका हूं। और यहां पर क्या हो गया, भाभी रॉन्ग। सिमिलरली देखो, ई लेस देन जे, ई से जे जाना है। अब कहां से कहां तक जाना है, देखो हमें ई से लेके जेड तक जाना है, ठीक है। तो जाइए, क्या देख रहे हैं, देखिए पेट बंद है छोटी भाभी, पेट बंद है छोटी भाभी, छोटी भाभी, तो ये क्या है, छोटा भाई, मतलब ई और जेड के बीच में क्या है, छोटी भाभी और छोटा भाई, क्या है, छोटी भाभी और छोटा भाई, तो प्रेफरेंस किसका होएगा, छोटे भाई का। पूछा क्या है, छोटा भाई, सही जवाब। क्लियर हुआ कि नहीं कंसेप्ट, एम दिमाग में बिठा लीजिएगा, बस दो घर हैं,
बड़ा भाई क्या, बड़ी भाभी नौकर, और दूसरे घर पे छोटा भाभी, छोटी भाई और नौकर। प्रेफरेंस क्या, पहले घर पे भाई भैया, सॉरी जैसे भैया भाभी और नौकर, बस सिंपल भैया भाभी नौकर। क्लियर है? देखो तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया फिर से बेसिक। इसी बेसिक को अगर आप मजेदार स्टोरी फॉर्म में पूरा बेस समझना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे हमारी वीडियो एक बार जरूर देखिए। हमने एक फाउंडेशन की वीडियो बनाई थी, उसको जरा एक देख लें, और फिर हम लोग मिलेंगे आपको जब नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं लेके आऊंगा इसकी बहुत वैरायटीज, क्योंकि देखो अभी क्या क्या हमारे बाकी हैं। अभी तो हमने खाली डिस्कस किया आपको क्या, नॉर्मल एकदम बेसिक। अब ब्रोकन स्टेटमेंट, ब्रोकन स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, एक स्टेटमेंट को तीन पार्ट में या दो पार्ट में तोड़ के ही क्लर्क में एग्जाम में आता है, वो देखा गया है, क्योंकि क्लर्क में यह पक्का पांच नंबर आता है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या, इधर और, मतलब इधर और भी हमें देखना है अभी, ठीक है, एक इधर और हो गया। तीसरा हमें देखना है कोडेड फॉर्म, और चौथा रहेगा सरप्राइज, वो एडवांस लेवल, वो मैं आपको जब करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके और भी डिस्कस करूंगा जो कि फिलर बेस्ड होते हैं। फिलर मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। तो क्या बोल दिया मैंने, एक हो गया आपका ब्रोकन, इधर और, फिलर्स, कोडेड और एक सरप्राइज। ये आराम से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं है। इसकी सीरीज थोड़ी लंबी जाएगी, शायद तीन या चार लेक्चर या पांच लेक्चर भी जा सकती है, टेंशन ना लीजिएगा। बस मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो बच्चे सिंसियरली तैयारी कर रहे हो आने वाले क्लर्क एग्जाम की, पीओ एग्जाम की, आईपीएस सामने आने वाला है, तो जो सिंसियरली तैयारी कर रहे हो, बिलीव करो, आंख बंद कर खाली वीडियो देखो और एसटी लगाओ, देखो आपके सारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और फिर भी जो क्वेश्चन आपसे ना बन पाए, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप वो क्वेश्चन दे दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलो फिर ध्यान रखिए, हम लोग मिलते हैं फिर आपको कल नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलेंगे और फिर हम लोग इसके आगे के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, थैंक यू और खुश रहिए।